असेसमेंट आपसे चाहते हैं, मानसून को लेकर आप कितनी वेटेज देते हैं मार्केट में? क्योंकि इस बार ना 3 साल के अच्छे मानसून के बाद IMD जो मानसून का ही प्रडिक्शन करता है वो कह रहा है कि शायद थोड़ा कमज़ोर रहेगा, इसका वेटेज कितना देते हैं मार्केट में? अब अच्छा बुरा तो बाद में कैलकुलेशन होगा, पहले तो वेटेज की बात आती है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी रह गई है? कई बार क्या होता है कि बाजार में इंडेक्स लेवल्स पे इस फैक्टर का इतना इम्पैक्ट नहीं आ पाता है, और उसका कारण है कि बहुत सारे दूसरे बाजार में बहुत बाजार को बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। अब उसमें एक फैक्टर्स मान लीजिए ग्लोबल बाइंग, जो हम कई महीनों से या साल भर प्लस से नहीं देख रहे हैं, अभी पिछले 3-4 दिन को छोड़ दें तो मान लीजिए वो किसी भी टाइम बाजार में आ जाती है, शुरू हो जाती है, इंडियन मार्केट करेक्ट हो जाते हैं या ग्लोबल सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाती है, इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट सेंट्रल बैंक का जो है पीक आउट होके शायद करेक्शन के नहीं पे नहीं भी जाए, तो पैसा वापस से ग्लोबली असेट क्लासेस और ज्योग्राफी में कहीं से निकल के कहीं जाएगा, तो हो सकता है उसमें इंडिया को अलोकेशन मिले। तो ऐसे में बाजार में इवन इफ मॉनसून वीक रहता है तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। कुछ सेक्टर्स होंगे जैसे IT सेक्टर है, वो तो इन एनी केस अफेक्टेड नहीं है, फार्मा सेक्टर है कम अफेक्टेड है, पर फिर भी गिवन द फैक्ट, और उसके पहले बल्कि एक बात और मैं बोल दूं कि इंडिया की GDP कंपोजिशन को हम देखें तो आज की तारीख में सर्विस सेक्टर से मेरे ख्याल से करीब करीब 45-50% का कंट्रीब्यूशन आता है, मैन्युफैक्चरिंग से 25-30% का और एग्रीकल्चर से 20% का आता है। तो GDP में कंट्रीब्यूशन टर्म्स पे ये तीसरा सेक्टर है, पर एट द सेम टाइम जो नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व है हमारी जनसंख्या के, वो उस हिसाब से एग्रीकल्चर का काफी इन्वॉल्वमेंट हमारी इकोनॉमी में है और पॉलिटिक्स में तो है ही है। तो जब वो इकोनॉमी में है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आता है? अगर मॉनसून नॉर्मल नहीं रहा तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो सेक्टर्स इम्पैक्ट होंगे पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल्स, ये सारी कंपनीज, फिर फर्टिलाइजर्स भी उसी में आ जाएंगी। उसके बाद उसका सेकेंडरी इम्पैक्ट आएगा ट्रैक्टर कंपनीज पे, टू व्हीलर कंपनीज पे, क्योंकि इनकी काफी सारी सेल रूरल एरियाज में होती है, अलग अलग कंपनी की सेल 30 से लेकर 60% तक रूरल इकोनॉमी से आती है। फिर उसका और एक्सटेंडेड इम्पैक्ट आएगा कंज्यूमर गुड्स कंपनीज पे। तो मुझे लगता है कि अगर मानसून नॉर्मल नहीं रहता है तो अभी जो एग्जिस्टिंग वीक कंजम्पशन का सिनेरियो चल रहा है मुझे लगता है वो एक्सटेंड हो जाएगा, और वो थोड़ा सा थोड़ा या शायद थोड़े से ज्यादा भी नेगेटिव बाजार के लिए रहे। जैसा मैंने कहा इंडेक्स पे भले इंपैक्ट नहीं दिखे क्योंकि बहुत सारे दूसरे फैक्टर वर्क करेंगे, कैपिटल गुड सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, उसका मानसून का इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, तो वो हो सकता है मार्केट को सपोर्ट करते हुए रखें।